आज से स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग ध्यान दें, भीड़ में जेब कतरों से सावधान रहें। महाकाल, जय श्री महाकाल, वैसे भारत जैसे सनातनी देश में मंदिरों, साधुओं और संतों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस स्थान को आज हम विजिट करने वाले हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसे जानता ना हो। उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील राव और आप देख रहे हैं गेट सेट ट्रेवल। आज की यात्रा में आप उज्जैन के वो खास धार्मिक पर्यटक स्थल देख और जान पाएंगे जिसे देखने के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। उज्जैन, जिसे महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल यहाँ भी स्थित है, जिसे देखने और दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों सैलानी दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। एक ओर से सोशल मीडिया का क्रेज लोगों को दिन ब दिन उज्जैन के प्रति आकर्षित कर रहा है। ठीक शाम के 4 बजे और हमने महाकाल के दर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। मंदिर के नजदीक पहुंचने पर ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो हमारे ललाट पर चंदन और कुमकुम से माँ का लिखने को बेताब रहते हैं। इनसे हम 20 रुपए देकर अपने ललाट पर माँ का लिखवा लेते हैं, जिसे ये आम भाषा में त्रिपुंड कहते हैं। ये तो माँ काल वगैरह भाई लिखवा दिए यहाँ पर, देखिए और अच्छा लग रहा है। और अभी जाएंगे दर्शन के लिए। ठीक मंदिर के सामने हमें हजारों दुकानें मिल जाएगी जो हमें माँ काल पूजा सामग्री देती है। दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं और कतार में लग जाते हैं। कुछ समय बाद मंदिर में प्रवेश करने पर हर हर महादेव और जय माँ काल के नारों से भक्तों का मानो आंदोलन शुरू हो जाता है। पीछे लगी कतार में कभी दाएं तो कभी बाएं मंदिर को निहारते हुए ठीक माँ काल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। उस समय माँ काल को निहारने के बाद सोचा आप लोगों को कुछ व्यू दिखा पाऊं, लेकिन यहाँ लगी सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और मेरा कैमरा ऑफ करवा देती है। अब बारी आती है मंदिर को बाहर से निहारने की। यहाँ बने मंदिर हजारों साल पुराने हैं और मंदिरों पर की गई नक्काशी इतनी सुंदर है, यहाँ आने वाला हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। बस अब कुछ फोटो, वीडियो और रील्स बनाने के बाद में अगले पड़ाव के लिए निकल जाता हूँ। वैसे उज्जैन के हर एक मंदिर को देखने के लिए आपके पास 3 से 4 दिन का समय होना चाहिए, क्योंकि उज्जैन को मंदिरों की नगरी कहा जाता है और यहाँ पर लगभग 515,215 मंदिरों की संख्या बताई जाती है। मंदिरों की खूबसूरती और सिप्रा नदी के तट पर बने गार्डन में अलग अलग भगवान के स्टैचू को निहारते हैं। उस समय घूमने के बाद संध्या होने लगती है, जिससे यहाँ का माहौल आनंदमय विभूति को प्राप्त कराता है। ठीक शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ की प्रसिद्ध लोकप्रिय माता हरसिद्धि की आरती देखने को हजारों भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। Thank you.
माँ हर्षद महाराज आपने दर्शन करवा। यदि आप धार्मिक स्थलों या मंदिरों के लिए आ रहे हो तो आपके पास चंपल ही पहन कर रखे, ना कि सूज। इससे आपके समय का सहय कम होगा, साथ ही पहनने या उतारने की दिक्कत भी ना होगी। आज की रात के आखिरी पड़ाव में मैं पहुंच जाता हूं देसी और अंग्रेजी ठेके के सामने। लेकिन क्यों? दरअसल आज की रात के आखिरी पड़ाव में हम दर्शन करेंगे बाबा काल भैरव के। बाबा काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। आमतौर पर लोग शराब चढ़ाकर बाबा को प्रसन्न करते हैं और अपनी नेगेटिव परेशानियों को बाबा काल भैरव के समक्ष रखते हैं। देखो इन तरीकों से शराब रोके लो लाइए। सभी को मेरी प्यार भरी सुबह का प्रणाम। आज हमारी उज्जैन की यात्रा का दूसरा दिन है। इस वक्त मैं समक्ष हूँ आप लोगों के सामने राजा भर्तृहरि गुफा के पास। राजा भर्तृहरि जिनकी भक्ति और महिमा का वचर्स्व भारत भर में प्रसिद्ध है। राजा भर्तृहरि के बारे में बहुत किंवदंतियां हैं। राजा भर्तृहरि एक ऐसा चरित्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वे एक योगी बने थे। भर्तृहरि उज्जैन के मान राजा थे। अब भर्तृहरि क्यों योगी बनकर राज्य छोड़कर चले गए थे, इसके बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें आखिर में गोरखनाथ की कृपा से सब ठीक हो जाता है और भर्तृहरि गोरखनाथ को अट है जो अपन है चारों धाम का रास्ता यहाँ से। अब जो भी भगवान तपस्वी व्यापारी गुफा वैसे बहुत है जो आगे कटो कट जावे इन ऊपर कोई एडो प्रमाण नहीं है। देख सको आप आगू आगे ऊपर रस्तो बनायोड़ो है और अटल लिखियोड़ो है कि यहाँ से चारों धाम का रास्ता है। यात्रा के आखिरी पड़ाव में मैं पहुंच जाता हूँ गढ़काली का मंदिर। लोक परंपराओं के अनुसार महाकवि कालिदास गढ़काली का देवी के अनन्य भगत थे और इस मंदिर का जीर्णोद्वार 606 ईसा पूर्व में महान सम्राट हर्ष द्वारा करवाया था। आज इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपना माथा टेकने को आते हैं। वैसे उज्जैन में हजारों मंदिर हैं, जिसे देखने के लिए आपको कई दिन लग सकते हैं। उज्जैन के नजदीक आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, महेश्वर मंदिर, नर्मदा दर्शन, नागचंद्रेश्वर ज्योतिर्लिंग और भी कई स्थल हैं जिसे आप देख पाएंगे। यदि आप खाने पीने के शौकीन हैं तो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर इंदौर जा सकते हैं। इंदौर में सरापा बाजार में खाने पीने के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ आपको अपनी मन पसंदीदा चीज आपको मिल जाएगी। वो तो मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ हम बोल रहे हैं तो बोलना बात अलग है और टेस्ट करना बात अलग है। तो टेस्ट कराए अंकल ने टेस्ट कराने के लिए दिया है तो टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ला जबाव। अगले वीडियो में आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन कराने वाला हूँ। प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में कमेंट करके जय महाकाल श्री जरूर लिखें।